नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद हरिद्वार के लक्सर में नगर पालिका वार्ड नंबर 4 में सभासद महिला की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। सभासद के दूसरी बार निर्वाचित होने पर तीसरे बच्चे को जन्म देने की शिकायत पर हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही जांच में उप जिलाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है। आपको बता दें कि लक्सर नगर पालिका शिवपुरी कॉलोनी निवासी पंकज बंसल ने नगर पालिका की एक महिला सभासद के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि पालिका की महिला सभासद ने निर्वाचित के बाद तीसरे बच्चे को जन्म दिया है। वह इससे पहले भी सभासद रह चुकी है। दोबारा सभासद निर्वाचित होने के बाद तीसरा बच्चा होने पर नियम अनुसार वह पद पर नहीं रह सकती। याचिका दायर पर हाईकोर्ट ने इस पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर लक्सर उप जिलाधिकारी पुवर सिंह राणा ने मामले की जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी हरिद्वार को भेज दी गई है। जांच से महिला सभासद की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। लक्सर उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने बताया कि मामले में 3 बच्चों का होना पाया गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। नहीं देखिए, इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए थे कि जिनके द्वारा पिटीशन दायर की गई थी कि आप जिलाधिकारी हरिद्वार के पास अपना एक प्रेजेंटेशन दीजिए और वहाँ से इसमें सबसे पहले इसका डिस्पोजल होगा, तो उसी क्रम में यहाँ से एक आख्या पुटअप करने के डायरेक्शन दिए गए थे, जिसमें ये क्लियर जो नगर पालिका एक्ट है उसमें क्लियर एक्ट दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सभासद के पद पर है और जो नगर पालिका एक्ट की जो धारा जो लागू हुई है बच्चों को लेकर, तो उसमें 2002 के बाद अगर तीसरा बच्चा हुआ है तो वो चीज़ें जो भी चीज़ें थी वो रिपोर्ट में डीएम साहब को प्रेषित कर दी गई है और उसका डिस्पोजल डीएम साहब के स्तर से किया जाना है। ये चीज़ क्लियर आई है कि एक्ट का जो प्रोविज़न है उसका वायोलेशन हुआ है और उनके 3 बच्चे होने की पुष्टि हुई है।